भारतीय टीम को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या घर लौट चुके हैं। पांड्या शुक्रवार को अनंत अंबानी के संगीत सेरेमनी में पहुंचे। हालांकि उनके अकेले जाने से एक बार फिर एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविच के साथ उनके तलाक की अफवाहें आने लगी हैं। आईपीएल के बाद ये पहला मौका है जहां हार्दिक पांड्या किसी इवेंट में नजर आए। हार्दिक पांड्या काले रंग का कुर्ता और जैकेट पहनकर संगीत में पहुंचे। वो काफी डैशिंग नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की खुशी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने आकर पहले अकेले फोटो खिंचवाए, इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बुलाया। हार्दिक के साथ उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या, भाभी पंखुड़ी शर्मा और साथी क्रिकेटर ईशान किशन भी नजर आए। लेकिन हार्दिक की इस फैमिली पिक्चर में नताशा कहीं नजर नहीं आई। फिर क्या, हार्दिक पांड्या के अकेले पहुंचने के बाद फैंस ने एक बार फिर नताशा और हार्दिक के तलाक की अफवाहें शुरू कर दी। फैंस का कहना है कि हार्दिक ने एक तरह से अपने तलाक की अफवाहों को सच साबित कर दिया है। इससे पहले अंबानी परिवार के हर कार्यक्रम में नताशा हार्दिक के साथ नजर आती थी, हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद नताशा ने ना तो कोई स्टोरी डाली और ना ही कोई पोस्ट किया। इतना ही नहीं, हार्दिक पांडे का घर पर शानदार वेलकम किया गया। यहाँ भी हार्दिक अपने बेटे और परिवार के साथ नजर आए, लेकिन यहाँ भी नताशा दिखाई नहीं दी। नताशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, लेकिन वो अपने बेटे के साथ ही तस्वीरें खिंचवाती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हार्दिक के साथ तलाक की अफवाह के बीच नताशा दिशा पाटनी के रिमोट बॉयफ्रेंड के साथ भी नजर आ चुकी है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।